तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है और फ्लिपकार्ट पे लेटर से क्या होता है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर इस चैनल पे नहीं हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना क्योंकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप बात करते हैं दोस्तों कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। तो जैसा कि दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो या फिर कुछ प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो फ्लिपकार्ट से और आपके पास पैसा नहीं है, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है आपको पैसे प्रोवाइड करता है। जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करोगे वो दोस्तों फ्लिपकार्ट आपको देगा उस प्रोडक्ट को पेमेंट करने के लिए। और फ्लिपकार्ट पे लेटर जितने आपको अमाउंट देगा, एग्जाम्पल मान लो दोस्तों आपको 1000 रुपये फ्लिपकार्ट पे लेटर आपको अमाउंट दिया है, उनमें से दोस्तों आप यहाँ पे 500 रुपये का आप यहाँ पे प्रोडक्ट बाय किया है या फिर कुछ परचेस किया है 500 रुपये का, तो दोस्तों वही 500 रुपये आपको यहाँ पे अगले मंथ में आपको पेमेंट करना है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। जो भी आपको पे लेटर पैसा देगा उसका दोस्तों कोई इंटरेस्ट नहीं देना है एक मंथ के लिए। तो दोस्तों वो पैसा आप एक मंथ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मान लो दोस्तों इस मंथ को उस पैसा को यूज़ किया है तो दोस्तों अगले 5 तारीख को दोस्तों अगले मंथ का 5 तारीख में उस पैसे को आप यहाँ पे पेमेंट करना है, और वो भी जो तो जितना पैसा आप यहाँ पे यूज़ करोगे वही पैसा आपको देना है रिटर्न पे लेटर को। कुछ भी आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देना नहीं है या फिर कोई भी इंटरेस्ट आपको देना नहीं है, जितना आप यहाँ पे अमाउंट यूज़ करोगे वही अमाउंट आपको यहाँ पे लेटर को वापस देना है। तो मान लो दोस्तों आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो आप एलिजिबल नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको एलिजिबल हो जाएगा तो दोस्तों ये आपके पे लेटर यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों पे लेटर यूज़ करने के लिए आपको क्रेडिट स्कोर होना बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों क्रेडिट स्कोर बेसिस पे आप यहाँ पे लेटर जो है पैसा आपको देता है। जितना ही दोस्तों आपको क्रेडिट स्कोर आपको अच्छा होगा उतना ही दोस्तों आप यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा मिलने का चांसेस है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर लिमिट की बात करके कितना लिमिट मिलेगा तो यहाँ पे दोस्तों 2000 तक लेके 7000 तक यहाँ पे आप प्रोवाइड करता है पे लेटर, और जितना ही दोस्तों आपको पे लेटर अमाउंट देगा वो देगा आपको क्रेडिट स्कोर बेसिस पर कि कितना आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आपका लेने के लिए कितना एलिजिबल है वो चेक करके दोस्तों आप यहाँ पे लेटर आपको अमाउंट देते हैं कि कितना अमाउंट आप यहाँ पे एलिजिबल हो। फिर भी दोस्तों अगर नहीं समझे तो आसान भाषा में अगर समझाऊँ तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर एक लोन की तरह है। तो जैसे कि दोस्तों आपके पास अगर पैसा नहीं है या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, कुछ शॉपिंग करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे लेटर आपको यहाँ पे अमाउंट देती है शॉपिंग करने के लिए, और वो पैसा जितना आप यूज़ करोगे वो पैसा दोबारा से आप लौटाने भी है मंथ के बाद। तो अगर बात करें दोस्तों आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपका एलिजिबल कितना रहेगा, तो दोस्तों वो आपका क्रेडिट स्कोर पर बेसिस पे आपको दिया जाएगा कि आप कितने एलिजिबल हो, आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, उस बेसिस पे दोस्तों आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर आपको पैसा देगा और उस पैसे का आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है और किस तरह से फ्लिपकार्ट पे लेटर को आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो से कुछ भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय।